हेलो एवरीवन, आप लोग कैसे हैं? आई होप आप अच्छे होंगे। आज हम माँ के खजाने में से एक रेसिपी लेकर आए हैं। आज हम बनाएंगे आलू का फलार। अलग तरीके से बनाया हुआ फलार बताऊंगी मैं, जो बहुत टेस्टी लगेगा। आप घर पर जरूर ट्राई कीजिएगा, और अगर आपको मेरी रेसिपी अच्छी लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तो चलिए तो बनाना शुरू करते हैं। सबसे पहले हमने आलू को इस तरीके से काट लिया है, जैसे हम सब्जी में काटते हैं, इस तरीके से हमने आलू को काटा है। इनको थोड़ा पतला काटें जिससे ये जल्दी से सिक जाएं। हमने एक कढ़ाई में तेल ले लिया है, पूरी जितना हम सेकते हैं उतना हमने तेल ले लिया है। उसमें हम सारे आलू डाल देंगे, इन्हें हम ब्राउन होने तक तलना है। चम्मच से हिलाते जाएं ताकि नीचे ये बैठे ना। गैस को आप हाई भी कर सकते हैं जिससे जल्दी सिक जाए। ये देखिए, धीरे धीरे ये ब्राउन होने लगे हैं। इनको सिकने में 5 से 10 मिनट लगेंगे और ये सिक कर तैयार हो जाएंगे। ये देखिए, ब्राउन हो चुके हैं। अब इनको हम बाहर निकाल देंगे। इन्हें आप टिश्यू पेपर पर रख दें ताकि इनका जो तेल रहेगा वो निकल जाए। अब इसी तेल में हम 50 ग्राम मूंगफली के दाने भी सेक लेंगे। अब इन्हें भी हम थोड़ा सा ब्राउन होने तक सेकेंगे। इन्हें ज्यादा ना सेकें, नहीं तो ये कड़वे लगने लगते हैं। इन्हें सेकने में 5 ही मिनट लगेंगे और ये सिक कर तैयार हो जाएंगे। ये देखिए, बन गए हैं। अब इनको हम बाहर निकाल देंगे। इनको भी हम टिश्यू पेपर पर रख देंगे जिससे इनका सारा तेल निकल जाए। अब हम इनमें बघार लगाएंगे। उसके लिए हमने एक कढ़ाई ले ली है। कढ़ाई में हम 1 चम्मच तेल लेंगे। तेल थोड़ा गर्म हो जाए इसके बाद हम डालेंगे 1/2 चम्मच जीरा। जीरा तड़क जाए इसके बाद हम डालेंगे 3 हरी मिर्च कटी हुई। इन्हें थोड़ा सा ब्राउन होने तक सेक लें। इसके बाद हम डालेंगे कुछ मसाले, जैसे कि रेड चिली पाउडर 1/2 चम्मच, धनिया पाउडर 1 चम्मच, और नमक स्वाद अनुसार लेना है। हम ब्लैक सॉल्ट ले रहे हैं क्योंकि हम फलार बना रहे हैं, इन्हें व्रत में खाना है, इसलिए हम वो वाला सॉल्ट नहीं लेंगे। अब इसमें हम आलू डाल देंगे और साथ में ही हम मूंगफली के दाने डाल देंगे। इन सबको अच्छी तरीके से मिला दें ताकि सारे मसाले सब मिल जाएं। ये देखिए, हमारा आलू का फलार तैयार हो चुका है। इसमें हम डालेंगे ब्लैक पेपर, काली मिर्च थोड़ी सी, और धनिया डालेंगे। इसके बाद हम 1 नींबू निचोड़ देंगे। आप अपने हिसाब से नींबू ले लें जितना आपको ठीक लगे। अब तैयार है हमारा आलू का फलार। आप इसे व्रत में खा सकते हैं और ये जल्दी बनकर तैयार भी हो जाता है। ये बहुत टेस्टी भी लगता है। तो चलिए अब मिलेंगे अगली वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।